स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल 11,500 फीट की हाइट पे जो कि होता है लगभग तीन किलोमीटर 300 लोग एक 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट पे बैठे हैं दोस्तों यहां पे टेम्परेचर कैन गो एज लो एज माइनस डिग्री सेल्सियस और इस प्रोटेस्ट इस क्लाइमेट फास्ट की लीडरशिप है सोनम वांगचुक के अंडर सोनम वांगचुक एक फेमस एजुकेशनलिस्ट है और इंजीनियर है और इनका कैरेक्टराइजेशन आपको थ्री इडियट्स मूवी में भी दिखता है दोस्तों सोनम वांगचुक हैज वर्कड विद द इंडियन आर्मी जब गलवान वैली में क्लैशेस चल रहे थे इन ट्वेंटी ट्वेंटी ही गैलवनाइज द इंटायर लद्दाखी पीपल बिहाइंड the indian army and he created a solidarity movement a global solidarity movement with the people of ladakh and against china dosto sonam wangchuk has been awarded multiple meritorious awards and certificates he has got the max award which is also known as the nobel prize of asia dosto inko rolex sebi Sammanit kya gaya or iit mandi in a Sammanit kya he has worked with indian army to create the solar heated buildings which is sustainable in दोस्तों इन्होंने काम किया है आइस तूपा मॉडल पे जहां पे ये वाटर स्कर्सिटी इश्यू को सॉल्व करते हैं जो कि लद्दाख फेस करता है ड्यूरिंग समर्स दोस्तों सोनम वांगचुक इस क्लाइमेट फास्ट पे बैठे क्यों हैं और ये 21 दिन का आमरण अनशन क्यों है हेलो है नमस्कार मैं हूं आशीष और आज हम ये समझेंगे कि लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं दोस्तों पहले ये समझते हैं कि इस प्रोटेस्ट मूवमेंट का इस क्लाइमेट फास्ट का इमीडिएट रीजन क्या है There was a six member committee, और यह मीट करते हैं मीटिंग फेल हो जाती है और इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो कि लद्दाख में है पहला कारगिल और दूसरा लेह और यहां पर कारगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन से थ्री मेंबर्स आते हैं और लेह एपेक्स बॉडी से थ्री मेंबर्स आते हैं जब ये मीटिंग फेल हो जाती है तो सिक्स मार्च से दिस क्लाइमेट फास्ट स्टार्ट बिफोर वी गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द दर इशू इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। ऑफ़ द लद्दाख रीजन प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ये जगह डोगरा रूल के अंडर आती थी अंडर महाराजा हरी सिंह और आफ्टर कवाइली अटैक ये कवाली आए थे जो गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन से आए थे एंड दे अटैक्ड लेह लद्दाख दे अटैक्ड जम्मू कश्मीर एंड आफ्टर दिस महाराजा हरी सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंस्ट्रोमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल टेरिटरी ऑफ द इंडियन स्टेट दोस्तों यहां पे कहानी में ट्विस्ट आता है जब जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट इट ज्वाइंस इंडिया यहां पे थ्री रीजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पहला रीजन है कश्मीर वैली इट इज अ वैली आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिए दैट देर इज अ माउंटेन एंड देन देर इज अ वैली तो वैली में रहने वाले लोग जो कश्मीर में रहते हैं उन्हें हम कश्मीर वैली पीपल कह सकते हैं एंड दे आर मजोरिटी सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी जब आप जम्मू वैली के तरफ देखते हैं तो यहां पे आप देखते हैं कि मजोरिटी इज द हिंदू पॉपुलेशन बट व्हेन यू लुक एट लद्दाख दिस रीजन इज पीपल। तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर ये थ्री डिफरेंट रीजनस है थ्री डिफरेंट कल्चरल सेट्स है और आपको यह भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट अ कोल्ड डेजर्ट यू आर टॉकिंग अबाउट अ कोल्ड डेजर्ट जो कि लगभग तीन से चार किलोमीटर की हाइट पे है जहां वॉटर की स्कॉसिटी है जहां एयर स्पार है और जहां पे पॉपुलेशन भी स्पार्स है सो नेचुरलीर वॉज डिफरेंस और यहीं से शुरुआत होती है एक की या यूनियन टेरिटरी तो ये डिमांड कहीं ना कहीं लद्दाखी पीपल में पहले से थी पोस्ट इंडिपेंडेंस दिस रीजन गोज टू वॉर होता है जो चाइना इनिशिएटेड वॉर होता है एंड द बिगेस्ट लॉस वो लद्दाख रीजन दोस्तों ये वॉर्स कभी कंप्लीट नहीं होते और पैरली इसी टाइम चाइना स्टार्ट करता है अपना काराकोरम हाईवे और यहां पे पैरली आप ये देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इवल एक्सेस क्रिएट हो रहा है जिसे आज हम वन बेल्ट वन रोड कहते हैं काराकोरम हाईवे पास होता है थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान कटिंग अक्रॉस काराकोरम देंजेस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लद्दाख के नॉर्थवर्ड पार्ट में हमारे काराकोरम रेंजेस हैं एंड दिस रीजन इज अ ट्रांस हिमालयन रेंज दोस्तों यहां पे भी कहानी खत्म नहीं इन टू थाउजेंड नाइनटीन देर इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रिमूवल ऑफ आर्टिकल थर्टी ए और इससे जो स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू एंड कश्मीर को वो रिमूव कर दिया जाता है और ये हिस्टोरिक मूव के बाद वट है इस जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस वो दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है टू यूनियन टेरिटरीज आर क्रिएटेड वन यूनियन टेरिटरी अ लेजिस्लेचर टेरिटरीचर अ विधानसभा और यह है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर इज द लद्दाख यूनियन टेरिटरी दोस्तों आपको इसी मोमेंट पे यह भी समझना चाहिए दैट दिस इज अ रीजन ऑफ जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्योंकि यहां पे ग्रेट गेम हो रहा है द चाइना पाकिस्तान एक्सिस एंड देयरफॉर The Ladakh region is extremely important for India's national security. दोस्तों अगर हम लद्दाख के ज्योग्राफी के बारे में देखें तो इट इज अ कोल्ड डेजर्ट रीजन और आप ये देख रहे हैं कि आज के डेट में द टेम्परेचर आर गोइंग एज लो एज माइनस टेन डिग्री सेल्सियस माइनस ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस माइनस सेवनटीन डिग्री सेल्सियस दोस्तों जब आप हिमालय को देखते हैं तो हिमालय इज अ सीरीज ऑफ रेंजेस पैरल रेंजेस तो स्टार्ट कहां से होता है स्टार्ट होता है दी गैंजेटिक प्लेन्स एंड देन इट स्टार्ट फर्स्ट रेंज दिस इज शिवालिक शिवालिक के बाद आता है दोस्तों मिडिल हिमालयस और उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं दोस्तों एनीथिंग विच इज अब एंड बियॉन्ड दी हिमाद्री जो भी नॉर्थवर्ड है हिमाद्री के उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं और दोस्तों ट्रांस हिमालय में फोर माउंटेन रेंजेस है पहला काराकोरम दूसरा लद्दाख तीसरा जंसकर और चौथा कैलाश ये चारों रेंजेस आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय और इसके बीच में बिटवीन द ट्रांस हिमालय इज द इंटर माउंटेन प्लेटू दोस्तों ये एक टेबल लैंड है दैट मींस यू स्केल टू द हाइट ऑफ थ्री टू फोर किलोमीटर और उसके बाद ये एक फ्लैट टॉप है दैट इज वाई इट इज द लद्दाख प्लेटू और दोस्तों दिस रीजन इज एक्सट्रीमली ट्रेचरस दिस इज ऑल्सो द रीजन जहां से इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट कर रही है और उसका ये कैचमेंट एरिया है दोस्तों ये वही रीजन है जहां से दो बिलियन पीपल आर गेटिंग देयर वाटर This is essentially the waterhead, the waterhead of the entire South Asia. टू बिलियन पीपल मतलब होता है दो सौ करोड़ लोगों की लाइफ लाइन द हिमालयन रिवर सिस्टम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस हिमालयन इको सिस्टम दोस्तों दिस इज सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ ग्लेशियर्स और जब आप लद्दाख रीजन को देखते हैं तो इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में जो कि इंडियन कंट्रोल में है आज वो लाए करता है सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों हमने ट्वेंटी ट्वेंटी में देखा था देर वर लॉट ऑफ इंट्रूशंस अलोंग गलवान वैली अलोंग गोगरा पोस्ट अलॉन्ग हॉट स्प्रिंग्स तो ये सारे इंक्लूजन क्यों हो रहे हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो द वॉटर शेड एरिया दिस इज दॉटर हेड ऑफ दिस इंटायर रीजन और दोस्तों नेचुरली ये चाइना के लिए यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत जियो इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है दोस्तों अगर आप नॉर्थ में देखें इस रीजन के तो यू फाइंड जिंजियांग रीजन जहां पे उइगुर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगर आप राइट right साइड में देखें तो आपको मिलेगा अक्सई चिन विच इज अंडर दी इलीगल ऑक्युपेशन ऑफ चाइना और अगर आप राइट right जाते हैं तो आपको टिबेटियन ऑटोनोमस रीजन मिलता है अगर आप वेस्ट पे जाते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है कश्मीर वैली और अगर आप साउथ वेस्ट रीजन में जाते हैं तो आपको मिल जाता है जम्मू वैली और दोस्तों लद्दाख रीजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहूल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू द अटल टनल एंड दोस्तों द द लैंडस्केप ऑफ़ दिस रीजन इज सिमिलर टू द लैंडस्केप ऑफ लहूल एंड स्पिति द लद्दाख रीजन द नॉर्थ सिक्किम रीजन द भूटान रीजन एंड द नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों यहाँ पर जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी आती है यहाँ पर एक कान खड़े कर देने वाली बात यह है कि इसे चाइना अपने फाइव फिंगर पॉलिसी में कंसिडर करता है इट कंसिडर्स द लद्दाख रीजन इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ चाइना अकॉर्डिंग टू चाइना ये फाइव फिंगर्स में वन ऑफ दोज फिंगर्स इज लद्दाख एंड देर फॉर दिस रीजन इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लद्दाख दोस्तों 1979 में

क्रिएशन ऑफ अ हिल ऑटोनोमस काउंसिल आप ये देखते हैं कि 1995 में ले हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की क्रिएशन होती है और 2003 में ये पावर सिमिलर काउंसिल्स इज क्रिएटेड अ सिमिलर काउंसिल इज क्रिएटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ करगिल दोस्तों दिस रीजन सेलिब्रेट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी इन टू थाउजेंड नाइनटीन और ये इसे अपना इंडिपेंडेंस डे कहते हैं और आज के डेट में दिस रीजन इज़ अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर यहाँ पे ना एक लेजिस्चर है यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं टू द इंडियन पार्लियामेंट देर इज नो विधानसभा देर इज नो चीफ मिनिस्टर दिस रीजन इज नाउ बींग रन बाई एन एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आप इसको ऐसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि डेली में हमारे पास एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है बट वी ऑल्सो हैव अ चीफ मिनिस्टर एंड वी ऑल्सो हैव अ विधानसभा बट क्योंकि इंडिया एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म मॉडल फॉलो करता है तो आप देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं तो जब आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास डीजीपी पुलिस है एडमिनिस्ट्रेशन इज इंडिविजुअल बट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहां से शुरू होती है एक मेजर इशू की दोस्तों दोस्तों हमने देखा कि दिस रीजन इज़ जोग्राफिकली आइसोलेटेड अगर आप जोग्रफिकली आइसोलेटेड होते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विजिट यू और इसके कारण कल्चरल एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल बिकम्स डिफिकल्ट और आप ये भी देख रहे हैं कि दिस रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है यहाँ वाटर की भी स्कारसिटी है तो नेचुरली यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स कम है और टू एंड फ्रो माइग्रेशन भी कम है इसके कारण एक यूनिक कल्चर का बर्थ होता है एक यूनिक कल्चर एक यूनिक स्क्रिप्ट एक यूनिक फॉर्म ऑफ लिविंग अ यूनिक वे ऑफ लाइफ और दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं लद्दाखी पीपल लेड बाई सोनम वांगचुक एंड दिस प्रोटेक्शन दे आर डिमांडिंग अंदर दिक्कथ स्केड्यूल दोस्तों दूसरा डिमांड इज अबाउट द स्टेट हुड स्टेट हुड की बात कहते हैं दे वॉन्ट मोर डेमोक्रेसी वॉन्ट मोर रिप्रेजेंटेशन वो कह रहे हैं कि वी हैड मोर रिप्रेजेंटेशन जब हम जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट थे तो वी हैड रेप्रेजेंटेटिव इन दी विधानसभा तो उसी तरीके से वी वॉन्ट आवर ओन विधानसभा वी वॉन्ट टू इलेक्ट अवर पीपल वी वॉन्ट टू वोट ताकि वो इस रीजन को पहचा इस रीजन को समझे इस रीजन की नीड्स को समझे इस रीजन की बेनिफिट को समझे और उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करें और वो नहीं चाहते कि बाहर से आउटसाइडर्स आके जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आई एस ऑफिसर जो कि फिक्स टेन्योर के लिए

एक दूसरा इशू ये आ जाता है कि देर इज अश्यू ऑफ जॉब्स अब दोस्तों नेचुरली इफ यूर आइसोलेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो नेचुरली देर इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देर इज सम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंटल गैप आप एक हिमालयन स्टेट भी है तो नेचुरली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव टू दैट प्लेस सेटअप इंडस्ट्रीज गेट ऑल दी इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक गैप है एक डेवलपमेंटल गैप है और इसके कारण इट इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेट कि इंडियन स्टेट हेल्प सच रीजन और यहां पे जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट जॉब्स की और दोस्तों लद्दाखी पीपल दे वांट दैट मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव उनके लोकल पीपल दे शुड गेट दी जॉब्स देर शुड बी सम लोकल रिजर्वेशन फॉर द लोकल पीपल ऑफ लद्दाख हु विल आल्सो श्योर कि उनका कल्चर प्रोटेक्टेड है सो दैट अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स आर आर नॉट नॉट कमिंग एंड दे डिक्टेटिंग अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड चेंजिंग देयर डेमोग्राफिक्स चेंजिंग देयर कल्चर सो इट इज अ सिंपल डिमांड इसके अलावा देर इज अ डिमांड टू सेट से पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन को आप ऐसे समझिए कि अगर हम बिहार की बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हर स्टेट में आपके पास एस एस सी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो उनका भी ये डिमांड है कि लद्दाखी पब्लिक सर्विस कमीशन हो लद्दाख की एस एस सी हो दोस्तों इसके अलावा

इज़ ड्यूरिंग दी विंटर मंथ्स जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से कहते हैं और रिसेंटली हमने ये देखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में काफी फ्लक्चुएशन हुए हैं और इन फ्लक्चुएशंस के कारण कश्मीर वैली में लद्दाख में देर वॉज लेस स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स जिसके कारण वहां पर टूरिज्म एक्टिविटी भी अफेक्ट हुई है सो वन रीजन इज दैट देर इज क्लाइमेट चेंज दिस इज इमिनेट एंड इस क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ऐसे फ्रेजाइल रीजन पर सबसे ज्यादा

लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है सो दे वांट देयर ओन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इसका एग्जांपल आप आइस तो से ले सकते हैं इसका एग्जांपल आप सेकमोल से ले सकते हैं जो स्कूल सोनम वांगचुक रन करते हैं विच वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी सो दे आर टॉप टैपिंग इन टू दैचुरल एनर्जी सिस्टम दे आर रिड्यूजिंग वेस्ट वो अपना क्लाइमेट इम्पैक्ट अपना कार्बन इंपैक्ट कम करने पे ध्यान देते हैं तो रेजिंग अवेयरनेस इज ऑल्सो एन इश्यू और दोस्तों दे वॉन्ट दिस टू बिकम अ मॉडल फॉर अदर हिमालयन स्टेट्स हु आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एट दिस जंक्शन वी शुड अंडरस्टैंड द फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर में एक सिंपल टॉपिक है इस सिमेट्रिक फेडरलिज्म दोस्तों वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड दी पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट तो सेंटर के पास कुछ पावर्स हैं और स्टेट्स के पास कुछ पावर्स हैं बट दोस्तों इंडिया में सिर्फ स्टेट्स नहीं है वी हैव स्टेट्स वी हैव यूनियन टेरीटरीज और दोस्तों इन स्टेट्स में भी हर स्टेट को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है यूनियन टेरीटरीज़ को भी अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है इसके आप एग्जाम्पल्स लीजिए जैसे यूनियन टेरीटरी ऑफ लद्दाख इट हैज़ नो लेजिस्चर उनके पास कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है उसी तरीके से यूनियन टेरीटरी ऑफ डेली इट विल हैव अ चीफ मिनिस्टर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके पास विधानसभा है बट अगेन देर इज मोर कंट्रोल ऑफ सेंटर और आप देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स आर देर वेन यू लुक एट स्टेट्स कुछ स्टेट्स को फिफ्थ शेड्यूल में क्लासीफाई किया गया है कुछ स्टेट्स को सिक्स शेड्यूल में क्लासीफाई किया गया है देर आर सम स्टेट जहां पर इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है तो ऐसे कंडीशंस को लगा के वॉट हैपन्स इज दैट वी आर ट्रीटिंग डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज डिफरेंटली और ये डिफरेंट ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि डिफरेंट रीजन्स के डिमांड्स कुछ और होते हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंटल मॉडल कुछ होता है उनकी सोसाइटी अभी एक पर्टिकुलर स्टेट पे होती है कहीं पे हमारे पास ट्राइबल सोसाइटी है कहीं पे हमारे पास सिटीज हैं तो गवर्नेंस मॉडल शुड ऑल्सो चेंज एंड अडेप्ट अकॉर्डेंस विद इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द रीजन इसीलिए वी हैव अ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बट यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा दैट दिस सेटअप इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वाजाई फेडरल सेटअप क्यों क्योंकि इन आवर फेडरल सेटअप सेंटर इज ऑलवेज सुप्रीम इट इज ऑलवेज एट अ हायर पेडेस्टल देन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोस्तों दमेट्रिक फेडरलिज्म को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो डिमांड्स हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है जो पहला डिमांड है वो है सिक्स स्केड्यूल दोस्तों यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्राइबल गवर्नेंस की जब बात आती है इंडिया में तो दे वर थ्री मॉडल्स विच वर प्रपोज वन वाज आइसोलेशनिस्ट इसका मतलब हम ट्राइबल रीजन्स को ट्राइब्स को अकेला छोड़ दे। वी दें वी लीव देम इन आइसोलेशन हम अपना काम करें और ट्राइब्स को अपना काम करने दें द सेकेंड मॉडल वॉज द अमेरिकन मॉडल एसिमुलेटिव मॉडल मतलब आप कहीं से भी आ रहे हैं हमें मतलब नहीं है यू हैव टू कम टू द मेन स्ट्रीम अ सिंगल यूनिफाइड कल्चर तो दोस्तों इसे भी रिजेक्ट किया गया और फिर बात होती है इंटीग्रेशन की वेर वी विल गो फॉर सेलेक्टिव इंटरवेंशन ओनली ऑन द डिमांड्स ऑफ द लोकल पीपल और यहां पे बर्थ होता है आर्टिकल 244 दोस्तों आर्टिकल 244 फोर्टी फोर क्लॉज वन क्रिएट्स शेड्यूल फाइव और आर्टिकल 244 फोर्टी फोर क्लॉज टू इट क्रिएट्स शेड्यूल सिक्स दोस्तों शेड्यूल फाइव और शेड्यूल सिक्स में डिफरेंसेज हैं। पहली बात तो यह है कि शेड्यूल फाइव और शेड्यूल सिक्स दे आर बोथ फॉर ट्राइबल एरिया गवर्नेंस पर जब हम शेड्यूल फाइव की बात करते हैं तो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दिनलैंड स्टेट्स और जब हम शेड्यूल सिक्स की बात करते हैं तो इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दोस्तों जब हम शेड्यूल फाइव की बात करते हैं तो इट इज एप्लीकेबल ऑन टेन स्टेट्स बट जब हम शेड्यूल सिक्स की बात करते हैं इट इज एप्लीकेबल ऑन फोर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनको आप याद कर सकते हैं असम मेघालय मिजोरम एंड त्रिपुरा दोस्तों शेड्यूल फाइव में हम क्रिएट करते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स ये ट्वेंटी बॉडीड काउंसिल है एंड दिस हैज एडवाइजरी पावर्स ये एडवाइज करेंगे गवर्नर को कि व्हाट शुड बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्राइब्स दोस्तों थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है यहाँ पे मैं ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूँ दिस डज नॉट मीन इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी मतलब यू आर मोर सेल्फ गवर्निंग आप ज़्यादा स्वराज में बिलीव कर रहे हैं आपको ज्यादा पावर्स दी गई हैं सो दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं ए दोस्तों ऑटोनोमस दोस्तों ऑटोनॉमस और ए इनके पास पावर्स हैं लेजिस्लेटिव मतलब ये अपने लोकल लॉज बना सकते हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवर फ्रॉम द गवर्नर ये दोस्तों जुडिशियल डिसीजंस भी ले सकते हैं दे कैन क्रिएट विलेज काउंसिल जो कि पेटी इशूज के ऊपर जुडिशियल डिसीजनस ले सके एंड क्स दम मोर ऑटोनोमस तो दोस्तों यहाँ पे सोनम मांगचुक ये कह रहे हैं कि लद्दाख क्योंकि यूनिक है लद्दाख क्योंकि एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहां पे 97% सेवन परसेंट ऑफ द पीपल दे आर अ ट्राइबल इन नेचर और यहां पे सिर्फ तीन लाख लोग रहते हैं दोस्तों टू टेन के सेंसस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सिमेटली टू लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड बट सोना है कि नाउ पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सिमेटली थ्री लैख पीपल एंड दोस्तों दिस इज ऑल्सो द रीजन विच इज फेसिंग द रैथ फ्रॉम ऑल साइड कैसे पहला चाइना चाइना इज इंट्रूडिंग इन द लैंड अगर चाइना इन लैंड्स में इंट्रूड करता है दोस्तों तो क्या होता है कि जो बफर जोन है जो बफर जोन है बिटवीन द पी एल एन दी इंडियन आर्मी वो इंक्रीज होता है अगर ये बफर जोन इंक्रीज होता है तो दोस्तों यहाँ के ना जो पास्चर्स हैं जो ग्रीन एरियाज हैं वो श्रिंक होते हैं और अगर ये पास्चर श्रिंक होते हैं दोस्तों तो ये जो पूरी लद्दाखी कम्युनिटी है इट इज़ मजॉरिटी पेस्टोरल इन नेचर और ये जो पेस्टोरलिज्म है इट डिपेंड्स अपॉन ग्रीन ग्रास अगर ये गोट ये शीप दे विल हैव ग्रीन ग्रास तो दे विल गिव गुड अमाउंट ऑफ वोल्ट और दोस्तों अगर ये ग्रास एरियाज ये पेस्टर्स ये कम होते जाएंगे तो क्या होगा एक पेस्टोरलिस्ट फार्मर की तरह मैं कम गोट शीप रियर कर पाऊंगा सो नेचुरली इट अफेक्ट्स माय इनकम तो दोस्तों एक साइड से चाइना इज ट्राइंग टू इंट्रूड इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट मोर डिप्लॉयमेंट और दोस्तों जैसे ही वो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता है तो इंडिया ऑल्सो गोज फॉर मिरर डिप्लॉयमेंट दैट मीन्स बॉर्डर में पहले तो आपने बफर जोन बनाया और बफर जोन के आसपास आपने और मिलिटराइजेशन की क्यों बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज ऑफ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दोस्तों इसके अलावा जो सेकेंड इशू जो अफेक्ट कर रहा है इस रीजन को वो है क्लाइमेट चेंज विच इज़ टाइम एंड अगेन डिसरप्टिंग द नेचुरल फ्लो सिस्टम्स कभी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है कभी वो मॉनसून अफेक्ट कर रहा है कभी वो ड्रॉट्स लेके आ रहा है कभी वो फ्लैश फ्लड्स लेके आ रहा है और इसके कारण जो लद्दाखी कम्युनिटी है दे आर बींग अफेक्टेड एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम फिफ्टी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले एक विलेज होता था दोस्तों इस विलेज में देर वर अ स्ट्रीम और ये स्ट्रीम आज ड्राई हो चुके है तो दो में दे विल लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन दिस विलेज टूडे द पीपल हैव आउट माइग्रेटेड क्यों क्योंकि क्लाइमेट चेंज है बिकॉज लेस स्नोफॉल इज देयर ड्यूरिंग दीज लास्ट टेन ईयर्स एंड बिकॉज ऑफ लो स्नोफॉल क्या होगा कि जैसे ही सूरज की किरणें पड़ेंगी ड्यूरिंग समर्स द इंटायर लिटिल स्नोफॉल दैट विल मेल्ट तो दोस्तों यहां पे वाटर स्कारसिटी की भी इशू है दोस्तों यहां पे एक और इशू है जो कि है टूरिज्म नाउ टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लद्दाख की इकोनॉमी टूरिज्म हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट दोस्तों एक डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू टूरिज्म और वॉल्यूम टूरिज्म 2010 से पहले मतलब थ्री इडियट्स के आने से पहले यहाँ पे लगभग 10,000-20,000 लोग सालाना आते थे आज 6 लाख ,00 लोग लद्दाख विजिट करते हैं बाइकिंग करते हैं और ये 6 लाख ,00 लोग सिर्फ पांच महीने में ले लद्दाख को विजिट करते हैं और दोस्तों ये पूरे लद्दाख को विजिट नहीं करते ये कुछ स्पेशल टाउन्स को ज़्यादा विजिट करते हैं कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ज़्यादा विजिट करते हैं तो नेचुरली इन रीजन्स पे जो ह्यूमन इम्पैक्ट है जो कार्बन इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि अगर मैं लद्दाख जाता हूं तो मुझे दिन के पाँच से दस लीटर पानी चाहिए अगर मैं एक लीटर पानी पीता हूं तो मैं एक प्लास्टिक बोतल को फेंकता हूं कहीं ना कहीं ट्रैश में इन डस्टबिन अगर मैं पाँच दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप प्लान करता हूं लद्दाख की तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट आई विल गेट अ डीजल गजलिंग कार ताकि वो इस टेरेन में सपोर्ट कर पाए मे बी अ फोर बाई फोर तो दोस्तों ये एक डीजल गजलिंग कार होगी और एमेशन नेचुरली इसमें से ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन के आएंगे और साइमल्टेनियसली मैं प्लास्टिक की बॉटल्स कंज्यूम कर रहा हूँ मैं मैगी खा रहा हूँ मैं लेस के पैकेट्स खा रहा हूँ तो दोस्तों ये सारा वेस्ट मैं जाके लद्दाख में डिस्पोज करूंगा अब आप सोचिए कि पहले इन बॉटल्स को लेह लद्दाख लाया गया और लाने के लिए कौन आ रहे थे तो ये महिंद्रा के पिकअप ट्रक्स होंगे या ये टाटा के बड़े बड़े ट्रक्स होंगे और वापस जब मैंने इनको प्लास्टिक वेस्ट की तरफ फेंक दिया सिंगल यूज प्लास्टिक्स को फेंक दिया तो दोस्तों इनको वापस लाने के लिए इनको रिसाइकिल करने के लिए इनको डंप करने के लिए फिर से डीजल गजलिंग ट्रक्स आएंगे और ये ट्रक्स इस वेस्ट को लेके जा रहे हैं दोस्तों द सिटी ऑफ लेह इट डज नॉट हैव है इट हैज अनेटेशन प्रॉब्लम यहाँ पे सीवेज की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पाइपलाइंस नहीं बनी हुई है सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो सीवेज को भी मूव करना पड़ रहा है आपको इन दीज ट्रक्स दोस्तों सोनम वागचुप का ये कहना है दी लद्दाखी पीपल उनको ये आदत है कि वो पाँच लीटर पानी में पूरा दिन निकाल लें बिकॉज दे नो देयर सराउंडिंग्स उनको पता है कि पानी की क्या मोल है उस रीजन में बट उनका ये मानना है कि वेन मोर एंड मोर पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड और हम प्लेन्स के लोग वैन वी गो टू सच रीजन्स हमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आवर बॉडी इज मोर हीटेड सो वी नीड टू कूल इट डाउन वी नीड मोर वाटर तो वाटर कंजम्पन इज एज गुड एज डेढ़ लीटर पर पर्सन दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम थी इस रीजन में तो इलेक्ट्रिसिटी पीक जब डिमांड होता था तो दे यूज़ अ लॉट ऑफ जनरेटर सेट्स और ये जनरेटर सीट सेट्स अगेन दे आर डीजल गजलिंग और इससे अगेन एम्बिश क्रिएट हो रहे हैं तो इवन दो टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनमी बट यह जो वॉल्यूम टूरिज्म आ रहा है और यह वॉल्यूम टूरिज्म सडनली पांच महीने में ही आ रहा है और इट इज़ नॉट बींग डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एरियाज ऑफ लद्दाख ये कुछ सर्टन एरियाज में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका इंपैक्ट इसका क्लाइमेट इंपैक्ट लोकल लोगों को फील हो रहा है कैसे क्योंकि मोर एमिशंस दैट मीन्स मोर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और अगर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जल्दी हो जाए तो देर इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस फॉर दी लोकल पीपल दोस्तों एक और इश्यू है अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप पेस्टर्स भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी पेस्टोरियल इकोनमी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे और दोस्तों यहाँ पे विलेजेस में दे यूज टू ग्रो आलू आलू उगा रहे थे गोभी उगा रहे थे एंड दे वर ई ग्रोइंग व्हीट अब दोस्तों ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स इरीगेशन बट अगेन द प्रॉब्लम ऑफ वॉटर स्कार सिटी तो यहां पर सोनम वांगचु ने लोकलाइज इनोवेशन दैट इज द मॉडल ऑफ आइस तो किया बट दोस्तों द वॉल टूरिज्म स्टिल बिकम्स एन इश्यू तो उनका यह मानना है कि हम टूरिज्म को तो हमेशा सपोर्ट करेंगे बट टूरिज्म शुड बी रेगुलेटेड किस टाइम में किस महीने में कितने लोग आने चाहिए उसका एक क्लाइमेट इंपैक्ट होना चाहिए और उसके बेसिस पे पीपल शुड कम इन एंड गो आउट ताकि मिनिमल इंपैक्ट हो और यहाँ पे यह भी बात होती है कि यहाँ पे बिहेवियरल चेंज की भी जरूरत है इन टर्म्स ऑफ द टूरिस्ट कमिंग इन और यहाँ पे आप एक फेमस वीडियो अगर आपको याद आए तो पेंगोंग सो में पीपल हुआ टूरिस्ट दे आर ड्राइविंग अलॉन्ग दी पेंगोंग सो लेक दोस्तों तो डिमांड सिक्स केड्यूल की है ताकि मोर एंड मोर पीपल दे आर इलेक्टेड इन द काउंसिल्स और ये काउंसिल ऑटोनॉमस हो दे कैन क्रिएट लॉ दे कैन कैन टेक टेक सम डिसीजंस एंड दे केयर ऑफ द लोकल इकोलॉजी द लोकल इकॉनमी एंड द लोकल पीपल बट क्या सिक्स केड्यूल इज द पेनासिया ऑफ ऑल दी सोल्यूशन दोस्तों जब्स सिक्स केड्यूल की बात करते हैं तो ये ट्राइबल एरियाज जो कि नॉर्थ ईस्ट में लगाए जाती है अगर ये डिमांड माना जाता है तो क्या दूसरे रीजन इन द मेनलैंड इंडिया क्योंकि अब ये बात समझिए फिफ्थ केड्यूल इज फॉर मेनलैंड इंडिया िक्स केड्यूल इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो अगर यह डिमांड मानी जाती है तो इसका कुछ रैमिफिकेशन भी होगा देर बी मोर डिमांड फ्रॉम अदर प्लेसिस अदर हिल डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट जहां पर ट्राइब्स हैं नेचुरली दिस कैन फॉलो बट क्या सिक्स केड्यूल रीजन में कोई परेशानी नहीं है दोस्तों तो परेशानी है विद इन ट्राइब्स विद इन ट्राइबल रीजन देर मल्टीपल ट्राइब्स ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल ट्राइब एक पर्टिकुलर रीजन की है और इसे सोनम वाकचुक मानते हैं उनका यह कहना है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट लद्दाख फ्रॉम लद्दाखीज एंड आउटसाइडर ऑल्सो ताकि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के जो कस्टमरी राइट्स हैं उसमें इंटरफेयर ना करे और आउटसाइडर कम्युनिटी भी उनके किसी कल्चरल सिग्निफिकेंस या किसी भी कस्टमरी राइट्स को अफेक्ट ना करे तो खतरा दोनों साइड से है उनका यह मानना है बट दोस्तों मेघालय के, के केस में जैसे कि हमारे पास गारो ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है हमारे पास खासी है हमारे पास जयंतिया है तो यहां पर भी यह देखा गया कि ट्राइबल ग्रुप्स उनके अंदर विद इन इन फाइटिंग्स हैं एंड देर इज़ अपार्ट फ्रॉम द ट्राइब्स अगर आप नॉन ट्राइबल हैं तो उनके अगेंस्ट भी वायलेंस देखा गया है पर्टिकुलरली अगेंस्ट बंगालीज़ तो सिक्स स्केड्यूल जाने के बाद किसी स्टेट में सिक्स स्केड्यूल लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल फंड्स दे हैव सडनली इंक्रीज या डेवलपमेंटल पैरामीटर्स दे हैव इम्प्रूव अलॉट या इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव हो गई है या इकोनमी बूस्ट हो गई है इनफैक्ट जो ट्राइबल इश्यूज हैं दे आर स्टिल परटेनिंग दे आर स्टिल सिमरिंग तो सिक्स शेड्यूल इज नॉट द दोल्यूशन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स और यहां पे बात आती है दैट कैन दिस रीजन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि कैन दिस रीजन बी इंस्टेड ग्रांटेड अ फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस जहां पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आती है और यहां पे हम दूसरे डिमांड के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो दूसरा डिमांड इज वेरी सिंपल इट इज़ अबाउट स्टेट तो दोस्तों आप पहले यू येर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ यू आर अ यूनियन टेरेटरी और आप यह कह रहे हैं कि आई वॉन्ट फुल फ्लेजेड स्टेटहुड दोस्तों सोनम बांगचूक यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप हमें फुल स्टेटहुड नहीं भी देंगे तो भी आप यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर देते हैं ताकि ये यूनियन टेरेटरी इट कैन हैव अ विधानसभा और यहां से हम कुछ इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर पाए और यहां से हम एक चीफ मिनिस्टर फाइंड कर पाए जो कि लोकल कम्युनिटी के ग्रीवेंसेज को एड्रेस कर पाए एंड ही इज़ अगेंस्ट द डिप्लॉयमेंट और द वर्किंग ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर आई एस ऑफिसर्स आमतौर तौर पर लद्दाखी रीजनस को समझ नहीं पा रहे पर दोस्तों जहां पे ऑटोनॉमी की बात आती है हमने ये डिस्कस किया कि सिक्स स्केड्यूल में फोर स्टेट्स हैं जहां पर ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स भी बनाए गए हैं कहीं कहीं बट लद्दाख के पास तो यह है एक्सेप्ट फॉर सिक्स शेड्यूल स्टेटस इसको आप ऐसे समझिए कि देर आर फोर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट जिनके पास शेड्यूल सिक्स पावर्स है और उनके पास ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उसी तरीके से जैसे हम ए कह रहे थे उसी तरीके से दे आर सम अदर स्टेट्स जो कि सिक्स शेड्यूल में नहीं है बट उनके पास भी ऐसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जैसे कि मणिपुर में मणिपुर हिल्स इन वेस्ट बंगाल, गोरखा लैंड और उसी तरीके से इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वी हैव कारगिल तो ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स तो बना दिए गए तो क्या इसका सोल्यूशन इसमें है कि वी गिव द मोर पावर्स और ये प्रपोजल आया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री द प्रपोजल दैट वॉज कोटेड इन इंडियन एक्सप्रेस वॉज टू गिव अ स्पेशल स्टैटस जो स्पेशल स्टैटस आर्टिकल थ्री में था वो तो स्क्रैप कर दिया गया बट आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ट्रांजिशनली टेम्परोल पावर्स दिए गए हैं और स्पेशल पावर्स दिए गए अंडर पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स लाइक गुजरात स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र स्टेट्स लाइक नागालैंड दे हैव गॉट सम स्पेशल प्रोविजन्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रपोजल है कि क्या हम ये स्पेशल स्टेटस आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ए के तर्ज पर दे सकते हैं क्या ये हम ऑटोनॉमी देने के साथ स्पेशल स्टेटस दे के क्या ये प्रॉब्लम क्या ये प्रोटेस्ट क्या ये डिमांड्स क्या ये डेमोक्रेटिक डिमांड्स का सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों दिस इज़

दोस्तों दूसरा सोल्यूशन ये है दैट वी कैन मूव टू अ फिफ्थ स्केड्यूल स्टेटस दोस्तों तीसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि वी कैन क्रिएट स्पेशल प्रोविजन्स अंडर आर्टिकल 371 एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के एक न्यू आर्टिकल इंक्लूड करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव स्पेशल पावर्स एंड स्पेशल ट्रांजिशनरी पावर्स टू द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख दोस्तों इसके साथ वी कैन ऑल्सो क्रिएट द विधानसभा वी कैन ऑल्सो गेट अ इलेक्टेड लेजिस्लेचर और ये इलेक्टेड लेजिस्लेचर से पीपल विल फील मोर इंक्लूडेड दे विल फील मोर रिप्रेजेंटेड। जैसे कि देर आर टॉक्स ऑफ इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर दे क्रिएशन ऑफ अ इलेक्टेड लेजिस्लेचर तो ये एक सोल्यूशन आता है दोस्तों इसके अलावा इन द वे ऑफ लाइफ सस्टेनेबिलिटी इज़ द मूट पॉइंट जब भी हम हिमालयन इकोनॉमी, जब भी हम फ्रेजाइल नेचर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें सस्टेनेबिलिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे बात आती है रेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ बात आती है स्नो स्तूपा की क्रिएशन की यहाँ पे बात आती है वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच की दोस्तों इसके अलावा दिस रीजन कैन बी यूटिलाइज रादर फॉर कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन हम यहां पे ग्रीन सेक्टर्स डाल सकते हैं ऐसे सेक्टर्स विच आर लेस एमिटिंग और जीरो एमेशंस ऐसे सेक्टर्स जैसे कि सोलर एनर्जी प्लांट्स और वी आर टैपिंग फॉर एग्जाम्पल ओ एन जी सी इज टैपिंग द जियो थर्मल एनर्जी तो हम इस एरिया को एक एनर्जी पावर हाउस की तरह बना सकते हैं बट विदाउट द एमिशंस सो सस्टेनेबल मॉडल ऑफ बिल्डिंग डेवलपमेंट ऑल्सो जो कि सोनम वांगचुक ने खुद इंडियन आर्मी के लिए ही इज डूइंग बाई क्रिएटिंग दीज थर्मली पावर्ड बिल्डिंग्स जो कि हीटिंग और हीटिंग सोल्यूशंस को यूज ही नहीं करते जो कि डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को यूज ही नहीं करते दोस्तों इसके अलावा सोल्यूशंस आते हैं ये जो ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं दे आर टू बी गिवन मोर पावर और ये जो पावर है, इन्हें स्टैट्यूट में इंक्लूड कर दिया जाए सो दैट देर इज़ अ क्लियर डिमार्केशन दैट नाउ दी ए एच डी सीज दे हैव मोर पावर्स टू मेक अ लॉस दे हैव लेजिस्लेटिव पावर दे हैव एग्जीक्यूटिव पावर एंड दे हैव जुडिशल पावर क्योंकि दोस्तों शेड्यूल सिक्स हो या ना हो अगर ये पावर्स मिल जाते हैं और ये प्रोमिस दे आर रिटर्न डाउन इन द पीस ऑफ लॉ तो दोस्तों ये नेचुरली इट विल मीट द रियल डिमांड्स ऑफ द लद्दाख सो टू कंक्लूड आई वुड से दैट दिस रीजन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस यहाँ पे डेमोक्रेटिक्स डिसेंट्रलाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं यहां पे पीपल आर प्रोटेस्टिंग यहां पे यू आर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज यहां पे यू आर फेसिंग द चैलेंज Of water scarcity. You are facing the adversary of China and Pakistan access through the One Belt, One Road China Pakistan economic corridor. And therefore, it is the need of the hour today that we go for a more deliberative approach, more collaborative approach, and open our debates to create a more hospitable environment for the people of Ladakh who has always stood with India and the Indian Army against all odds. Thank you so much. I hope you liked it. Please share this video with all your family and friends if you liked it. Thank you. Study IQ IS. Ab yari hui affordable.